इस तरह के इंडिकेटर को अपनी बाइक में इंस्टॉल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर फ्रंट से ब्लिंक करता है और इसकी बैक साइड एक लाइट लगी रहती है जो कि पार्किंग पे जब आपकी बाइक रहेगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इसका फंक्शन है स्पेशल इंडिकेटर का। बाइक जैसे ही आप ऑन करेंगे और पार्किंग इसकी चालू कर देंगे तो पार्किंग लाइट में पावर सप्लाई होने लगेगा। पार्किंग लाइट जो आपके फ्रंट में जो छोटी छोटी जो लाइट लगी रहती है हेडलाइट में और आपके मीटर वगैरह ही चालू हो जाता है इस तरीके से, तो ये बैक की लाइट इस तरीके से चालू हो जाएगी। और फ्रंट से आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर अभी ऑफ है। जब भी आप इंडिकेटर देखें ये इंडिकेटर जब ही चालू होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ पार्किंग के साथ ये बैक लाइट चालू है, अभी इंडिकेटर देकर बता देता हूँ आपके लिए। मैं इंडिकेटर में ये इस तरीके से ब्लिंक होगा, आप देख सकते हैं ये मैं वाइट कलर की लेकर आया हूँ, वाइट कलर का ये इंडिकेटर है ये। तो आप चाहें तो इसमें और भी कलर आते हैं उनको आप ले सकते हैं, रेड, येलो, वॉयलेट, ग्रीन, काफ़ी कलर मार्केट में है, आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडिकेटर अलग फंक्शन कर रहा है और ये पार्किंग लाइट अलग फंक्शन कर रही है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपनी बाइक का मास्क ओपन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने मास्क को पूरी तरीके से ओपन कर लिया है आप लोगों को और बेहतर तरीके से वायरिंग कनेक्शन बताने के लिए, आप थोड़ा सा ही मास्क को ओपन करेंगे साइड से जिस तो आपका हो जाएगा। अभी मैंने ये इंडिकेटर का ये जो पिन लगी रहती है, ये जो सॉकेट रहता है इंडिकेटर का, तो उसको मैंने निकाल लिया है। ये पहले वाला इंडिकेटर निकाल कर इसमें न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। इसका पहले वाला इंडिकेटर आप निकाल लें, इसका एक सॉकेट लगा रहता है उसको निकाल लें और ये जो नट रहता है तो इस नट को खोल लेंगे तो ये आपका इंडिकेटर निकल आएगा। बस आपको इस जगह पर अपना न्यू इंडिकेटर इंस्टॉल करना है, डुअल साइड वाला जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले उसको वापस लगा देना पड़ेगा इस इंडिकेटर को, जैसा कि लगा दिया है, और ये जो सॉकेट रहता है इसको वापस जगह पर लगा देंगे तो आपका इंडिकेटर काम करने लगेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ पार्किंग लाइट के बारे में जो कि इंडिकेटर की बैक साइड है। उसके लिए आप देखिए ये जो आपका पार्किंग बल्ब रहता है बाइक में, तो यहाँ से आप वायर को थोड़ा सा कट कर लें और इसमें ज्वाइन कर देंगे तो ये पार्किंग लाइट वाला पावर सप्लाई होने लगेगा तो आपकी ये पार्किंग लाइट भी चालू हो जाएगी। इस तरीके से मैंने इसको कट करके उसमें ये वायर ज्वाइन कर लिए हैं तो पार्किंग लाइट भी चालू रहेगी, साथ में जो इंडिकेटर के पीछे लाइट दी हुई है वो भी चालू रहेगी। इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन करने के बाद उसको आप अच्छी तरह से टेप अप कर दें जिससे वायर टच ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इनको अच्छी तरह से टेप अप कर दें। अगर आपको इस कनेक्शन के बारे में और भी जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल दी हुई है, कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, किस तरीके से वर्क करता है। ये ट्रिपल वायर इंडिकेटर को 4 वायर में कन्वर्ट किया गया है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें हमने ये सब कुछ आपको बताया है। तो आप उस वीडियो को देखकर वायर कनेक्शन कर सकते हैं और इस वीडियो को देखकर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।